Hello, our great future of India. Welcome to my amazing channel, Roy Study Club. Myself, Shyam Roy. Today, we study about a very amazing topic, very interesting topic, and very easy topic. You all see that the topic is the classification of acids. Today, we classify, we divide the acids into many categories. You all know that acids are present in the nature, but today, we divide and classify the acids in different parts on the basis of different things. Today we study total of on the basis of 5 substances like sources, molecular composition, basicity, strength, concentration. Total we study on the 5 basis of the substances. What is the classification of the acids? First of all, what is the classification of acid? Classification of acid ka seedha seedha matlab kya hai? Matlab ye hai ki hum acid ko classify kar rahe hain. एसिड को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, जिसकी वजह से हमें पढ़ने में क्या हो, इजी हो, क्योंकि बहुत सारे एसिड हैं, HCl, H2SO4 है, CH3COOH, एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, अनगिनत भाई अपने पास एसिड है, और सबकी हम अलग अलग प्रॉपर्टी है जो देखने लगे तो सालों लग जाएंगे हमें केवल एसिड को पढ़ने में, सालों लग जाएंगे केवल एसिड को पढ़ने में, सोच सकते हैं आप। तो इसी को ईजियर बनाने के लिए, एसिड को ईजियर बनाने के लिए, उनकी स्टडीज को हम आसानी से कर सकें, ऐसा करने के लिए एसिड को हमने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वहां देखिए लाल बटन होगा, तोड़ दो भाई उस लाल बटन को, आज बचना नहीं चाहिए वो लाल बटन, उसको खत्म कर दो, और लाइक बटन शेयर दूर दूर तक फैला दो, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, दूर दूर तक शेयर करना है, आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, सो लाइक मस्ट बी लाइक। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। हम सोर्सेज के आधार पे, सोर्सेज के आधार पे हम कैसे एसिड को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, सब सोर्सेज के बेसिस पे इसके दो पार्ट हैं। इसके बेसिस पे सोर्सेज की बेसिस पे एसिड के आपने दो पार्ट किए हैं, पहला अपना ऑर्गेनिक एसिड है, दूसरा अपना मिनरल एसिड है। ओके, अब हम ये जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या, देखिए आज का लेक्चर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, बहुत इजी लेक्चर है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, आपका बहुत इसमें दिमाग खर्च नहीं होने वाला, आज बहुत इजी लेक्चर है, बहुत हल्की की चीजें इसमें है। देखिए ऑर्गेनिक एसिड सोर्सेज के बेस पे, ऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, या फिर इसे हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी कई जगह लिखा है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, या फिर चाहे तो मिनरल एसिड कहते हैं उसे, सोर्सेज के बेस पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है, बहुत ही सिंपल, ऑर्गेनिक वर्ड से क्या पता चल रहा है कि अपने को नेचर से मिल रहा है, ऑर्गेनिक मतलब क्या, इसमें कुछ ना कुछ लिविंग थिंग है, कुछ ना कुछ इसमें क्या है, लिविंग है, कुछ ना कुछ इसमें जीवित चीज ऐसी है। अब जीवित क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है, सिंपल सी बात है भाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स दो ही तो अपने कैटेगरी है जी लिविंग के पूरी अर्थ पे, प्लांट एंड एनिमल के अलावा कोई कैटेगरी है क्या, कि जिसको हम प्लांट में बांटते हैं, क्योंकि एनिमल में डिवाइड करते हैं। बायो स्टूडेंट जो होंगे वो जरूर पढ़े होंगे, जिसको बायो में इंटरेस्ट होगा उनको तो पता ही होगा क्लासिफिकेशन, आपने पढ़ा होगा इसका सारे सब क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फाइलम सब आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो इसी सोर्सेज के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक एसिड में हम क्या देखते हैं कि ऐसे एसिड जो कहां से मिलते हैं, नेचुरल नेचर से मिलते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर से, कहां से ऑब्टेन होते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर से, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर, इसका मतलब क्या हो गया, प्रकृति से, प्रकृति से मिलते हैं ऑर्गेनिक, जिसमें क्या है, लिविंग है, प्राण है, जीवन है उसमें, और होते क्या क्या, मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स दो ही तो है अपने पास, इसमें क्या है, लिविंग है, उसमें जीवन है। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड कहां मिलता है, अक्सर खाने में मिल जाएगा, आप खाने के बहुत पदार्थ में आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड, अगला एग्जाम्पल क्या, ऑक्सैलिक एसिड है, COOH का होल ट्वाइस, COOH का होल ट्वाइस, फॉर्मुला को याद रखना, फॉर्मुला कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछ लेते हैं ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए, ऐसा आपको दे देंगे, व्हाट इज द फॉर्मुला ऑफ द एसिटिक एसिड, CH3COH, CH3COOH, CH3CONA, ऐसे करके दे देते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मुला याद रखना है, एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस, ये अक्सर टमाटर में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड बहुत ही सिंपल, जो नेचर से मिलते हैं, और ये मेनली किससे मिलेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल से। ओके, अगला अपना आ जाइए ऑर्गेनिक एसिड या फिर क्या दे, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड या फिर क्या दे,
मिनरल एसिड, और ये मिलेंगे कहाँ, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, वेरी इजी, सो मच इजी यार। अरे देखो पहला ऑर्गेनिक एसिड ये नेचर से मिलते हैं, इसका मतलब क्या है, ये भाई नेचर ने इसको बनाया। दूसरा मिनरल एसिड है, फिर इनऑर्गेनिक एसिड, अरे जो हमने बनाया भाई, ह्यूमन ने बनाया, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है ये, हमने बनाया इसको। ये कहाँ से मिल रहा है, मिनरल से बन रहा है, तरह तरह के मिनरल्स अपने पास, एलिमेंट्स हैं मिनरल्स हैं, उसको हमने ज्वाइन कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया, रिएक्शन करवा दिया उसके बीच में, और ये बन गए। बहुत इजी है ना, देखिए कितना इजी है। एग्जांपल अपने पास है HClNH2SO4, एग्जांपल HClNH2SO4, वेरी इजी। तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड आपको आई थिंक क्लियर होगा। ऑर्गेनिक सिंपल सी बात है, जो नेचर से मिले, इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल जो कहां से मिले, जो मैनमेड हो, हमने बनाया है, बहुत इजी है, सिंपल है, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, अगला आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। देखिए बहुत इजी होने वाला, कुछ भी आपको ज्यादा समझने की इसमें वो नहीं है। सेकंड पॉइंट अपना, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन यहाँ पे थोड़ा बहुत समझने लायक चीज है। आखिर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या होता है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर व्हाट इज द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, व्हाट इज द फीलिंग, मतलब फील है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन आखिर है क्या। तो देखिए बहुत अच्छा, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो, अरे मैं कह रहा हूँ ये ले लो CH3COOH ले लो, यहाँ पे ले लो CH3COOH। अच्छा ये एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये एक मॉलिक्यूल है, समझ, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, अच्छा कंपोजिशन मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्या है, एक कोई अपना बर्तन है, उसमें आपने सबसे पहले क्या डाल दिया, उसमें चीनी डाल दिया, उसी में नमक डाल दिया, उसी में वाटर डाल दिया आपने, और मैं आपसे पूछूं कि उस बर्तन में क्या क्या है, उसमें उसका कंपोजिशन क्या क्या है, भाई आपने उसमें क्या क्या डाला है, आपने उसमें क्या क्या डाला, उसका कंपोजिशन मतलब क्या, किसी भी एक मिक्सर में उसमें क्या क्या है, कुछ भी अपना है उसमें क्या क्या है भाई। आप कह देंगे सर उसमें वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि CH3COOH में, इसमें इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट है, इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट है, जो मैंने अभी आपको मिक्सर दिया, बर्तन में पानी है, शुगर है एंड सॉल्ट है, मैंने पूछा भाई कौन कौन से सब्सटेंस है, आपने तीनों के नाम बता दिए। अब मैं पूछ रहा हूँ इन मॉलिक्यूलर में इसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या क्या है, तो मैं इसमें आप सिंपल बता देंगे भाई इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तीन इसमें एलिमेंट है, इन्हीं, ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन हो गया। ओके आई थिंक क्लियर है, बहुत अच्छे, सिंपल सी बात है, जो जो इसमें एलिमेंट है उसके नाम बता देने हैं, उसकी क्या है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, उस मॉलिक्यूल का कंपोजिशन हो गया। आप देखो उसके वजह से दो पार्ट डिवाइड किया, पहला अपना हो गया बाइनरी एसिड, दूसरा हो गया ऑक्सैसिड्स। पहला अपना बाइनरी एसिड, अब बाइनरी एसिड क्या है, अच्छा इसमें वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, सब इधर जो मैंने लिखा उसको भूल जाओ, इधर जो लिखा है उसको भूल जाओ। बाइनरी एसिड, बाइनरी वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है बाइनरी मतलब दो होता है, बाइनरी मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई दो चीजों के बारे में बता रहा है, इसमें कुछ ना कुछ दो तो है, दो से रिलेटेड है बिल्कुल। आप अगर जो ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बाइनरी मतलब दो से कुछ रिलेटेड है तो आप बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर ब्राइट है यहां से। ठीक है, तो बाइनरी के केस में तो आप ब्राइट है। बाइनरी एसिड मींस कंटेन हाइड्रोजन एंड वन अनदर एलिमेंट, कंटेन हाइड्रोजन एंड वन अनदर एलिमेंट क्या है, कंटेन एच, एच और क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है एंड वन अनदर एलिमेंट। बाइनरी मतलब क्या था, टू, बाइनरी मतलब सिंपली दो से रिलेटेड है ना, बाइनरी ऐसा लग रहा है दो से रिलेटेड है, इसमें क्या एक हाइड्रोजन है, कोई भी एलिमेंट है भाई, एक अपना कोई भी मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है, कुछ भी है उसमें एक हाइड्रोजन हो जाए, और एक कोई भी ले आओ भाई, सल्फर चलेगा, फ्लोरीन चलेगा, क्लोरीन चलेगा, अरे कुछ भी ले आओ, अपने को क्या, अपने को हाइड्रोजन चाहिए और एक और कोई भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेन हाइड्रोजन एंड वन अनदर एलिमेंट। ठीक है, वेरी इजी। तो यहाँ पे क्या है, HCl एग्जांपल, HF एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, एक हाइड्रोजन, बाकी कोई दूसरा अदर एलिमेंट, कंटेन हाइड्रोजन एंड वन अदर एलिमेंट, ये हाइड्रोजन है, कोई दूसरा कोई भी एलिमेंट डाल दे भाई, क्या करना है अपने को, हाइड्रोजन है और कोई भी साथ में आ जाए चल जाएगा, अपने को काम चल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, ऑक्सैसिड्स, ऑक्सैसिड्स ये क्या है, अब इसमें आपको वर्ड से समझ में नहीं आएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इधर उसको छुपा लूं, ऑक्सैसिड से क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सैसिड्स बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हो रहा। देखो बाइनरी में एकदम क्लियर था, बाइनरी टू लग रहा था, लेकिन ऑक्सैसिड्स में बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हो रहा। अरे जब बाइनरी पता चल गया तो ऑक्सैसिड्स तेरे लिए भाई चुटकियों का काम है, चुटकियों में खत्म कर देगा इसे। देख बाइनरी में क्या था भाई, बाइनरी में क्या था, इसमें एक हाइड्रोजन, बाकी कोई भी एलिमेंट, इसमें केवल इतना इंक्लूड हो जाएगा, इसको मैं याद करने का तरीका ये बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखें। ऑक्सैसिड्स में केवल इतना इंक्लूड हो जाएगा, कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वन अनदर एलिमेंट,
हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और कोई भी एक एलिमेंट हो जाए हाइड्रोजन। और इसमें देखो बाइनरी में क्या था, बाइनरी में केवल हाइड्रोजन था और एक और अनदर एलिमेंट था, कोई एक दूसरा एलिमेंट था। लेकिन ऑक्सैसिड्स में हाइड्रोजन है, एक अदर अनदर एलिमेंट भी है, लेकिन साथ में क्या जुड़ गया इसमें, ऑक्सीजन जुड़ गया, केवल ऑक्सीजन जुड़ गया। अब इसे याद कैसे रखें सर, बाइनरी में तुम्हें समझ में आ रहा था सर दो है, एक हाइड्रोजन है एक कोई दूसरा एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सैसिड्स में सर चलिए हाइड्रोजन है एक अदर एलिमेंट है और साथ में ऑक्सीजन है, और ये कैसे याद रखेंगे, ऑक्सैसिड्स। ऑक्सैसिड्स का पहला वर्ड अक्षर क्या है अपना, ऑक्सैसिड्स पहला अक्षर ओ, ऑक्सीजन का सिंबल क्या, ऑक्सीजन एलिमेंट का सिंबल क्या, ओ। हाँ ये यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ क्या है और ओ टू क्या है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑक्सीजन गैस बताओ, तो भाई अपने ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला कौन सा है ओ और ओ टू में, तो अपने को ये बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। मैं आपसे ये पूछूं ऑक्सीजन गैस कौन सा है, क्या पूछा मैंने आपसे, ऑक्सीजन गैस कौन सा है, तो ऑक्सीजन गैस O2 है, गैस हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगी, दो O2 कंबाइन होके आपस कंबाइन होके क्या बनाएंगे, गैस बनाएंगे। बट मैं आपसे पूछूं एलिमेंट कौन सा है, तो एलिमेंट आपका ये है ऑक्सीजन, ओनली सिंगल O क्या है एलिमेंट है, और O2 क्या है आपका गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड वन अनदर एलिमेंट ऑक्सैसिड्स में, याद कैसे रखेंगे, ऑक्सैसिड्स का पहला अक्षर ओ है, इसमें हाइड्रोजन था एक अनदर एलिमेंट था, साथ में क्या जुड़ जाएगा ऑक्सैसिड्स में, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। एग्जांपल देख लो, वेरी इजी एग्जांपल, H2SO4 SNO3, इससे इजी क्या हो सकता है, आप फैमिलियर हैं आपके, कई बार देखो ऐसा लगता है ना 10th क्लास में कि HCl H2SO4 SNO3 हमारे खून में दौड़ रहा है, ये तीनों एसिड हमारे खून में दौड़ रहा है, कोई भी कहता है H2SO4 हमारी आंखें चमक जाती हैं, अरे सर H2SO4 ये तो ये पता है, ठीक है, ऐसा होता है कि देखो यहाँ पे H2SO4 में क्या है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, एक दूसरा एलिमेंट भी है अनदर एलिमेंट, अपनी पूरी कंडीशन फुलफिल है। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक तीसरा एलिमेंट भी है, यहाँ भी पूरा है, तो बहुत ही था। हमने दो बेसिस पढ़ लिए, सोर्सेज के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेसिस पे। एक बार फिर से आपको रिकैप करा देते हैं, सोर्सेज के बेसिस पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्या नेचर से मिलेगा, इनऑर्गेनिक क्या हमने खुद बनाया भाई, मिनरल से बन रहा है, आर्टिफिशियल है, और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेस पे बाइनरी है, ऑक्सैसिड्स है, बाइनरी में क्या है हाइड्रोजन एक अदर एलिमेंट, ऑक्सैसिड्स में क्या है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन और एक तीसरा एलिमेंट है, ओके। ये हमने दो बेसिस पे पढ़ लिए एसिड की क्लासिफिकेशन, अभी हमें तीन बेसिस और पढ़ना है, स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन एंड तीसरा बेसिसिटी, ये तीन अभी और बच्चे अपने पास पढ़ने के लिए। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रेंथ वाला, देख लेते हैं स्ट्रेंथ वाला, बहुत इजी आपके लेक्चर में तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि बहुत ज्यादा कुछ है, बहुत इजी इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, हल्की हल्की चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही कंफ्यूजनिंग होती है, कई बार बहुत ही कंफ्यूजनिंग हो जाती है, तो वो आपको याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। अब किस बेसिस पे हम देखेंगे, अब देखेंगे थर्ड बेसिस यानी कि स्ट्रेंथ के बेस पे, किसके बेस पे हम देखेंगे, स्ट्रेंथ के बेस पे हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है अपना, स्ट्रेंथ के बेस पे देखेंगे। अब इसमें इसके भी दो पार्ट होते हैं, पहला कौन सा पार्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका वीक एसिड। स्ट्रेंथ के बेस पे आखिर भाई वो उसमें कितनी ताकत है, मैं अगर जो ऐसा कहूं कि एक तरफ खली है और एक तरफ आप खड़े हो, एक तरफ कौन है, एक तरफ खली है, एक तरफ खली को तो जानते ही होंगे भाई, खली को कौन नहीं जानता, एक तरफ खली एक तरफ आप खड़े हो, मैं पूछूं भाई ज्यादा ताकतवर कौन है, तो इतनी ताकत तो भाई सब में होगी, इतने मूर्ख तो आप नहीं होगी कह दो कि मैं ताकतवर हूं, खली ज्यादा ताकतवर है भाई, भाई हेल्दी पर्सन है 7 फुट का आदमी, आपसे ज्यादा ताकतवर है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही एसिड भी स्ट्रेंथ के बेस पे, उसकी ताकत आखिर भाई उसकी क्या ताकत है, स्ट्रेंथ क्या है, उसके बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में क्या हुए हैं, डिवाइड इन क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में क्लासिफाई किया गया है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो डिसोसिएट होते हैं, इसका मतलब जो टूट जाते हैं आयंस में या फिर किसी में भी टूट जाते हैं लार्ज एक्सटेंट पे, क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट टू लार्ज एक्सटेंट, डिसोसिएट टू लार्ज एक्सटेंट, और ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट, एग्जाम्पल्स क्या क्या है,
एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? HCl है, H2SO4 है, फिर आपकी आंखें चमक गई होंगी, सर HCl आ गया, H2SO4 आ गया, HNO3 है, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक में क्या है? CH3, COOH है, चाहे तो ऑक्सैलिक एसिड, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लगते हैं, ऑक्सैलिक एसिड भी वीक में आता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? ऐसे एसिड जो डिसोसिएट हो जाते हैं लार्ज एक्सटेंट पे। क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट टू लार्ज एक्सटेंट, इसका मतलब क्या? टूट जाते हैं। हिंदी में लिख रहा हूं आपके लिए, हिंदी में टूट जाते हैं। भाई ये क्या कंपाउंड है? HCl H2SO4 कंपाउंड है, मॉलिक्यूल कुछ भी कह दें, ये अपना एक कंपाउंड है। ये क्या हो जाए जब ये टूट जाए? ऐसे कंपाउंड एसिड्स के जो टूट जाए, बहुत ज्यादा स्केल पे टूट जाते हैं। और ये टूटेंगे कब? कब टूटेंगे? अरे बहुत ईजी है, पानी में डाल दो, पानी में डाल दो, टूट जाएंगे। पानी के आगे इनकी कोई औकात नहीं दिख रही है भाई अपने को। ऐसा करेंगे, ऐसे हम अच्छा पता कैसे करेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है? ऐसा पानी लेंगे, एक बीकर लेंगे, अपने एसिड ले लेंगे, अगर उसमें HCl डालेंगे, क्या डालेंगे? HCl डाल देंगे, चाहे H2SO4 डाल देंगे, चाहे HNO3 डाल देंगे, तो बहुत ही लार्ज एक्सटेंट पे टूट जाएंगे। HCl किसमें टूट जाएगा? पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा तो 4-2 नेगेटिव है पॉजिटिव में टूट जाएगा, ये NO3-1 नेगेटिव है पॉजिटिव में टूट जाएगा। ये क्या होते हैं कि एसिड पानी में डालने पे एक्वस, यानी कि पानी में डालने पे क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, डिसोसिएट टू ए लार्ज एक्सटेंट। ऐसे एसिड जो बहुत ही बड़े स्केल पे डिसोसिएट होते हैं यानी कि टूट जाते हैं, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। आपके एग्जाम्पल HCl है, H2SO4, HNO3, इससे आप फैमिलियर है बहुत अच्छे से। अगर मैं यही कहूं अब वीक एसिड क्या होते हैं, अब कहोगे आप सर वीक एसिड रहने दीजिए मैं पढ़ लूंगा, खुद से पढ़ लूंगा। क्यों? बहुत ही सिंपल है, जस्ट उसका अपोजिट है, डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट। ऐसे एसिड जिसे हम पानी में डालें और बहुत ही कम डिसोसिएट हो, इसका मतलब कि बहुत ही कम टूटे, वो पानी में डालें बहुत ही कम टूटे। एग्जाम्पल क्या है? CH3COOH एसिटिक एसिड है, कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड, आपके लिए लिख देते हैं एसिटिक एसिड है, बहुत इजी, सो इजी यार, इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता। स्ट्रेंथ के बेस पे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो लार्ज एक्सटेंट पे डिसोसिएट होते हो, वीक एसिड जो स्मॉल एक्सटेंट पे डिसोसिएट होते हैं, आपके पास एग्जांपल हमने दे दिए हैं यहाँ पे। अब अगले केस पे चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा किस बेसिस पे से डिवाइड कर सकते हैं? कंसंट्रेशन की बेसिस पे। किस पे? कंसंट्रेशन की बेसिस पे। इसके भी दो पार्ट है, इसके भी कितने पार्ट है? दो ही पार्ट है इसके भी, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, इसके भी दो ही पार्ट हैं। कहेंगे सर ऐसा क्यों, जिसने डिवाइड किया सबके दो ही दो पार्ट किए? अक्सर दो ही पार्ट बनते हैं अल्टरनेटिव, इसके इसमें ऐसे दो ही पार्ट बनते ही हैं, इसका कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं है कि दो ही पार्ट बनेंगे। भाई एक स्ट्रांग होगा तो जाहिर सी बात है कि वीक होगा। जैसे मान लो कंपेयर करना हो कि भाई ये मोटा है कि पतला है, तो आप की तो कहोगे मोटा है, की तो कहोगे पतला है, ये तो कहोगे नहीं सर मोटा भी है पतला भी, ऐसा तो कह नहीं सकते ना। ऐसे इसमें भी ऐसे सबके कितने पार्ट किए गए? दो दो पार्ट कर दिए गए। लेकिन अभी हम देखेंगे बेसिसिटी के, उसमें बेसिसिटी के उसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, अभी हम देखेंगे डिस्कस करेंगे आगे उसके बारे में। तो इसके बारे में कंसंट्रेशन के उस पे बेस पे पहला हो जाता है कंसंट्रेटेड एसिड। भैया आपको बताया रहे कि बताएंगे कंसंट्रेशन क्या है, घबराइए नहीं, कंसंट्रेटेड एसिड है, दूसरा डाइल्यूट एसिड है। तो पहली बात ये जान लो कि कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह मैंने चॉकलेट ले, चलो चॉकलेट का एग्जाम्पल ले, अच्छा मजा आएगा भाई, मीठा चाहिए कुछ मीठा हो जाए आज, हम चॉकलेट का एग्जाम्पल लेते, डेरी मिल्क का एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है। एक जगह मैंने 15 डेरी मिल्क रख दिया, दूसरी जगह मैं रख देता हूँ केवल 5 डेरी मिल्क, ठीक है। एक जगह 15 डेरी मिल्क रख दिया और दूसरी जगह केवल 5 रख दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछूं ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा है, ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा है? तो कंसंट्रेटेड मतलब ये होता है जहां पे ज्यादा हो, जहां पे ज्यादा हो वहां पे क्या होगा? अमाउंट कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? जहां पे अमाउंट ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा? कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जहां पे अमाउंट कम होगा वहां पे कंसंट्रेशन कम होगी। तो आप सिंपली क्या देंगे? अब तो आप कहीं देंगे सर 15 वाला है सर इसका कंसंट्रेशन हाई है, और 5 वाला सर इसका कंसंट्रेशन लो है, इसका कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की बेसिस पे आपको समझ में आ गया कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन की बेसिस पे हम दो पार्ट डिवाइड करते हैं, पहली बात कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरी बात डाइल्यूट एसिड। ओके, कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरी बात क्या है अपनी, दूसरा जो क्लासिफाई में क्या, वो डाइल्यूट एसिड पे क्या है। और ये क्या कंसंट्रेटेड एसिड आखिर क्या होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ये हम एक स्पेशल वाटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? वाटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। इसकी हम पहले लिख देते हैं आपके लिए डेफिनेशन,
almost pure with little water. और ये जिसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसमें इसमें लार्ज वाटर होता है, अमाउंट का क्या होता है, मोर वाटर रहता है. इसमें क्या रहता है, मोर वाटर, मोर वाटर विद लेस एसिड, मोर वाटर विद लेस एसिड. और देखिए कंसंट्रेशन के बेस पे, मतलब जिसके एक जगह जहां पे ज्यादा चीजें वो कंसंट्रेटेड है, जहां पे कम है वो क्या है, डाइल्यूट है. सिंपल सी बात है, देखो कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, ऐसा एसिड जिसमें जिसका खुद का कंपोजिशन, हमें पानी में ही डालना उसे, खुद का कंपोजिशन, कहने का मतलब ये हो गया खुद का कंपोजिशन किसी भी एसिड का, किसी भी चीज में. आप ये नहीं कह सकते जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर क्रिस्टल को आप ये नहीं कह सकते कि उसमें पानी नहीं, उसमें पानी है. शुगर क्रिस्टल में अगर आपको ये गलत फहमी है कि शुगर क्रिस्टल सूखा होता है, तो ये भूल जाइए कि ये आपकी गलत फहमी है. केवल ऐसा होता नहीं है, शुगर क्रिस्टल में भी क्या होता है, वाटर होता है. शुगर क्रिस्टल ऑल्सो कंटेन द H2O अमाउंट. हाँ ये बात अलग है कि बहुत लिटिल अमाउंट होगा H2O का, बट उसमें वाटर है, क्योंकि जो उसका कंपोजिशन है उसमें उसको वाटर की जरूरत है. विदाउट वाटर उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, विदाउट वाटर उसका कंपोजिशन क्या होता है, चेंज हो जाता है. तो ऐसा एसिड, ऐसा एसिड जिसके खुद के कंपोजिशन में, ऐसा एसिड जिसके खुद के कंपोजिशन में वेरी लिटिल वाटर हो, क्या हो, बहुत ही कम पानी हो, लगा वो प्योर हो, इसके खुद के एसिड में बहुत ही कम पानी हो, ऑलमोस्ट वो प्योर हो, 100% कह सकते हैं, फिर 95% वो प्योर हो, तो उसे क्या कह सकते हैं, हम कंसंट्रेटेड एसिड कह सकते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड कह सकते हैं. अब डाइल्यूट एसिड क्या है, उसका उल्टा है, जस्ट उसका उल्टा. ऐसा कोई अपना, ऐसा कोई एसिड, ऐसा कोई एसिड इसमें पानी ज्यादा हो, जैसे कोई अपना कंसंट्रेटेड एसिड है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड है, उसमें अगर जो पानी डालते जाओगे, अब वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे वाटर की ज्यादा मात्रा हो जाएगी और क्या हो जाएगा, एसिड की मात्रा कम हो जाएगी. कंसंट्रेटेड क्या था, ऐसा एसिड जिसमें ज्यादा एसिड ही हो, पानी की मात्रा बहुत ही कम हो, वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड. और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, क्या होती है, मोर वाटर विद लेस एसिड. क्या वाटर ज्यादा होता है लेकिन एसिड क्या होता है, कम होता है. वाटर ज्यादा एंड एसिड कम होता है, उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड. अक्सर ये होता है, एक चीज में और बता दूं मैं आपको, डाइल्यूशन. डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन, ये टॉपिक आ गया तो डाइल्यूशन बता दूं. ये वैसे मैं सोच नहीं आया था कि आपको बताऊंगा डाइल्यूशन, ये मैं सोच के नहीं आया था कि मैं डाइल्यूशन आपको बताऊंगा, लेकिन अचानक से डाइल्यूट वर्ड से मुझे मजा आ गया, डाइल्यूशन याद आ गया, तो सोचा आपको बता दूं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्लास होगा. डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन ये होता है कि कोई भी बीकर लो आप, जैसे कि कोई बीकर लो, इसमें इसमें आपने HCl, प्योर HCl यानी कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया, कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया, ये आपका बीकर में क्या है, कंसंट्रेटेड HCl है. अब इसमें क्या करो, पानी डालते जाओ, पानी इसमें क्या डाल लो, H2O. अब H2O डालते जाओ उसमें, और किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में HCl कोई भी है, कोई भी हो अपना, उसमें अगर जब पानी मिलाते जाओगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, उस प्रोसेस को हम कह देंगे डाइल्यूशन, उस प्रोसेस को हम कह देंगे डाइल्यूशन. और सिंपली बुकिश लैंग्वेज में देखे हैं, बुकिश लैंग्वेज जो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर उसमें देख लेते हैं, जो बुक की लैंग्वेज में देखे हैं, तो डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, डाइल्यूशन प्रोसेस ये होता है कि कंसंट्रेटेड एसिड को मेनली डाइल्यूट एसिड में चेंज करना. इस केस में, परफेक्ट एसिड के केस में, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में चेंज करना ही क्या होता है, डाइल्यूशन प्रोसेस होता है. बट जो मेन डाइल्यूशन अपना है, सबसे ईजी चीज है, वो ये समझो कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज है भाई, उसमें हम पानी मिलाते जाए तो अपना क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा. भाई पानी मिलाते जाओ डाइल्यूशन हो जाएगा, पानी मिलाते जाओ डाइल्यूशन हो जाएगा, यार इतना इजी सा है, पानी मिलाते जाओ डाइल्यूशन हो जाएगा. अब आप कहेंगे सर एग्जांपल इसके क्या, आपने सब एग्जांपल, इसमें एग्जांपल नहीं दी, तो कोई एग्जांपल में क्या रखा है, एग्जांपल यूं दे देंगे, क्या एग्जांपल देंगे इसके हम, अरे कंसंट्रेटेड HCl है, कंसंट्रेटेड HCl है, या फिर कहते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 है, कंसंट्रेटेड HNO3 है, और इसी ऐसे लिख दो, कंसंट्रेटेड को ऐसे लिखते हैं, CONC. लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड, CONC. इसका मतलब कंसंट्रेटेड. और ये देखिए डाइल्यूट को क्या लिखते हैं, DIL, फिर डॉट लगा देते हैं, फिर आगे कोई भी अपना एसिड लिख दो, ये डाइल्यूट एसिड हो गए. ओके कंसंट्रेटेड के बेस पे आपको आई थिंक क्लियर है, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड. कंसंट्रेटेड मतलब क्या, जो ऑलमोस्ट प्योर, बहुत ही कम वाटर हो. डाइल्यूट मतलब क्या, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और उसमें प्योरिटी कम हो, एसिड खुद का कम. ठीक है, अब हमने चार बेसिस पे एसिड की क्लासिफिकेशन दे दी है.
अब बच्चे खुश हो रहेंगे, सर चार तो निपट गए, अब केवल एक बचा, उसको भी निपटा ही दो आज। चलो उसको भी निपटा ही देते हैं, इसका बवाल ही खत्म करो। क्लासिफिकेशन यार, क्या क्लासिफिकेशन, चार निपट गए अपने बच्चे, केवल एक बचा अपने, किसकी वजह से? बेसिक सिटी। अब आपको बेसिक सिटी, बहुत बच्चों को नहीं पता होगी कि बेसिक सिटी क्या होती है, बहुत बच्चे इसमें जीनियस भी होंगे जिन्हें पता होगी कि बेसिक सिटी क्या होती है, लेकिन बहुत को नहीं पता होगी। कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, जब तक हमें तब तक क्या गम है, हमारे रहते क्या गम है, हम बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है। पांचवा क्या है अपना? बेसिक सिटी। अब बेसिक सिटी क्या होती है? बेसिक सिटी, व्हाट इज द बेसिक सिटी, व्हाट इज द बेसिक सिटी? बेसिक सिटी होती है एक एसिडिटी होती है, चलो दोनों आपको बता देते हैं, एक एसिडिटी भी होती है, एसिडिटी दोनों आपको साथ साथ बता देते हैं। वैसे ये एसिडिटी बताने का भी मेरा कोई प्लान नहीं था आज, ये भी बता देते हैं, ठीक है। बेसिसिटी ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक मॉलिक्यूल लिया, किसका? एचसीएल का। क्या लिया आपने? एक मॉलिक्यूल एचसीएल का लिया और उसको पानी में डाल दिया, उसको क्या किया हमने? पानी में डाल दिया। तो मेनली बेसिसिटी ये होता है कि कोई भी एसिड का एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होने के बाद कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है, इसको लिख देते हैं आपको अच्छे से क्लियर होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने भाई दे रहा है? भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा ना, नंबर ऑफ क्या देगा? हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डेट कैन बी प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डेट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आयोनाइजेशन, फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अपना जो एसिड है, एसिड का क्या एक मॉलिक्यूल है, किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल अगर उसे पानी में डाल दी, अच्छा यहां पे लिख देते हैं इन एक्वा सोल्यूशन, किसमें? इन एक्वा सोल्यूशन, भाई पानी में डालेंगे ना, इन एक्वा सोल्यूशन, किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल को, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड को अगर एक्वा सोल्यूशन में डाल, यानी कि पानी में हम डाल दें, किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल अगर जो पानी में डाल दें, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होंगे वह इसकी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी होगी। और ये बात याद रखो कि एसिड की हमेशा बेसिसिटी होती है, एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होती है? किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल लो, पानी में डाल दो, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दे दें, वह इसकी क्या हो जाएगी? बेसिसिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एचसीएल है, एचसीएल ले लो, एचसीएल को जब पानी में डालोगे तो किस में टूटेगा? ये एच पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव में टूट जाएगा, एच पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव में टूट जाएगा। अब इसमें डाला तो आपको, आपने क्या देखा कि एक एच मिल रहा है आपको, कितना एच मिल रहा है? एक एच ओनली मिल रहा है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं? ओनली वन। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। ऐसे इसमें देख लो H2SO4 में, देख लो H2SO4 पहले किसमें टूटेगा? H2SO4 इसमें देखो हाइड्रोजन दो है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? दो है। तो इसकी बेसिसिटी सिंपली क्या हो जाएगी? दो। क्या हो जाएगी इसकी? सिंपली दो हो जाएगी इसकी बेसिसिटी। ओके, आई थिंक आपको बेसिसिटी क्लियर होगा, सिंपल सी बात है यार। नंबर एक मॉलिक्यूल को, किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल को पानी में डाल दे भाई, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो प्रोड्यूस कर दे, भाई इसका बेसिसिटी हो जाएगा। अब एसिडिटी जैसे इसका उल्टा है, एसिडिटी क्या है इसका? जैसे उल्टा है, ये क्या है? नंबर ऑफ OH नेगेटिव, इसका मतलब कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन, नंबर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी बेस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन OH मॉलिक्यूल, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस व्हेन वन मोल ऑफ एनी बेस पुट इन द वाटर, या फिर कहते हैं एक्वा सोल्यूशन, कहते हैं एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। जस्ट बेसिसिटी का उल्टा है एसिडिटी, बेसिसिटी का उल्टा एसिडिटी। एसिडिटी में क्या होता है कि नंबर ऑफ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं, किसी भी, किसके केस में? बेस के केस में। किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल ले लो, किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल ले लो, फॉर एग्जाम्पल NaOH का मैंने ले लिया, किसी भी मॉलिक्यूल का एक, किसी भी बेस का एक मॉलिक्यूल ले लो, उसे पानी में डाल दो, किसमें डाल दो? वाटर में, H2O में, जितने नंबर ऑफ वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर दे, तो पानी में किसमें टूटेगा? ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। यहां पे देखो क्या हो गया, OH नेगेटिव केवल वन है,
तो अपना मेन डेफिनेशन क्या है एसिडिटी का, सॉरी एसिडिटी का, कि एक मोल ले लो भाई बेस का, उसे पानी में डाल दो, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आए इसका मतलब OH निगेटिव वो प्रोड्यूस कर दे भाई, उसकी क्या हो जाएगी एसिडिटी हो जाएगी। हमने लिया केस NaOH का, इसको हमने पानी में डाला, देखा Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में टूट गया, OH निगेटिव कितने हैं ओनली वन, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी एसिडिटी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। एक से याद कैसे रखें, बहुत ईजी ट्रिक देखो, बेसिसिटी हमेशा एसिड की होती है, एसिडिटी किसकी होती है बेस की होती है, उल्टा है देख लो, एक तरह से उल्टा है। बेसिसिटी वर्ड से क्या समझा रहा कि ये बेस से कुछ रिलेटेड है, बट ये रिलेटेड है किससे एसिड से, एसिड की हमेशा बेसिसिटी होती है एंड बेस की हमेशा एसिडिटी होती है, सिंपल बहुत अच्छे से याद हो सकता है भाई। क्या होता है एसिड की बेसिसिटी एंड बेस की एसिडिटी, बहुत अच्छे है। आई थिंक आपको बेसिसिटी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं क्लासिफिकेशन इसका। ओके, इसे भाई तीन चीज में क्लासिफाई किया गया है, इसे तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, अभी आपको डिस्कस करेंगे किन तीन पार्टों में क्लासिफाई किया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ सकता है, इसमें आपको क्या करना पड़ सकता है, थोड़ा सा समझना पड़ सकता है, मोनोबेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक। पहला अपना क्या है, बहुत ईजी है, आप बेसिसिटी अब क्लियर हो गई होगी तो भी क्लियर हो जाएगी, मोनोबेसिक और आई थिंक बेसिसिटी तो मैंने बहुत ही डिटेल आपको बता दिया, इतना डिटेल कोई बताता नहीं है, मोनोबेसिक, डाई बेसिक एंड थर्ड क्या है ट्राई बेसिक। मोनोबेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक, मोनोबेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक। बेसिसिटी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, अब तक हम जितने पढ़े सब में दो दो थे, इसमें तीन आ गए, क्या दिक्कत है भाई, तीन हो चार हो अपने को क्या, अपने को पढ़ने से मतलब है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिसिटी के बेस पे तीन बार डिवाइड कर दिया, पहला मोनोबेसिक, दूसरा डाई बेसिक एंड तीसरा ट्राई बेसिक। अच्छा अब इसको देखो, बेसिसिटी आपको पता है आप समझ जाओगे, बेसिसिटी मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, एसिड का एक मॉलिक्यूल पानी में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है वही अपना क्या है बेसिसिटी है। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड कितना हो जाए वन हो जाए, तो हो जाएगा मोनोबेसिक एसिड। अगर नंबर ऑफ, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, मतलब कि महा इजी है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड कितने हो जाए इसमें दो हो जाए, और इसमें कितने हो जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कितने हो जाए इसमें तीन हो जाए। वर्ड से समझ में आ रहा है, देखो अपने को वर्ड से समझ में आ रहा है, मोनोबेसिक मतलब क्या एक, डाई बेसिक मतलब क्या दो, ट्राई बेसिक मतलब क्या तीन, सिंपल सा यही तो है अपने अपने पास, सिंपल सा यही तो है अपने पास। बेसिसिटी के बेस पे तीन है, मोनोबेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है। मोनोबेसिक मतलब क्या, कोई भी अपना एक एसिड का मॉलिक्यूल है पानी में डाल दिया, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दे वन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, केवल एक ही हाइड्रोजन आयन दे। डाई बेसिक क्या है, एक एसिड का मॉलिक्यूल लो पानी में मारो छपाक और कितने हाइड्रोजन आयन दे दे दो हाइड्रोजन आयन दे दे। ट्राई बेसिक क्या है, एसिड लो पानी मारो छपाक कितने हाइड्रोजन आयन दे दे तीन हाइड्रोजन आयन दे दे, उसे क्या कहते हैं ट्राई बेसिक कहते हैं। अब सबके एग्जांपल देख लीजिए, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, मतलब इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, आपको लग रहा था सर बेसिसिटी कुछ नया हो सकता है, बट बेसिसिटी समझने के बाद ये कुछ लग रहा है क्या, हलवा है यार, हलवा है, कुछ नहीं है, मोनो डाई ट्राई एक दो तीन ऐसे पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है। इसका एग्जाम्पल ले लो, सबसे पहले HCl किसमें टूटेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे HCl को जब पानी में डालते हो तो किसमें टूटता है, HCl को पानी में डालते हो तो किसमें टूटता है H2O में, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये अपना हाइड्रोनियम आयन है, क्या है ये, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, क्या ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम है, इसका मतलब ये H पॉजिटिव यहाँ पे ऊपर लिखते हैं H पॉजिटिव प्लस H2O है, ये क्या बन गया H3O पॉजिटिव, HCl से क्या बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मेनली अपने को क्या पता है HCl से H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनता है ना, सिंपल सी बात है बनता है, और H पॉजिटिव केवल ऐसे H पॉजिटिव जो है अपना हाइड्रोजन आयन केवल H पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये हमेशा किसके साथ
वाटर के साथ वो हो जाता है रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और इस फॉर्म में ही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एच पॉजिटिव कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा वाटर के साथ कंबाइन होके एच थ्री ओ पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। और हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन लिखो चाहे एच पॉजिटिव लिखो, बात एक ही है, हाइड्रोनियम आयन लिख लो चाहे एच पॉजिटिव लिख लो, कई जगह हमेशा वो क्यों मिलेगा आपको, हाइड्रोनियम आयन लिख लो फिर एच पॉजिटिव लिखो, बात वही है, ठीक है। तो HCl के केस में हमने पानी में डाला तो क्या देखा, एक एच पॉजिटिव दे रहा है, क्या दे रहा है, Cl नेगेटिव दे रहा है, एक एच पॉजिटिव दे रहा है, एक Cl नेगेटिव दे रहा है। अपने को हाइड्रोजन आयन कितने चाहिए थे, इसमें वन चाहिए थे, वन अपने पास हाइड्रोजन आयन है ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कहो सर कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, एक चाहिए था अपने को एक मिल गया, इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हो गया। अब इसका देख लो, डायबेसिक H2CO3, इसे जब पानी में डालोगे किसमें, वाटर में H2O, यहां पे लिख देते हैं H2O में, पानी में डालोगे तो ये क्या देगा आपको, H2CO3। अच्छा देखो इसको मैं दो तरह से लिखूंगा, दो के दो टाइप दो बार में लिखूंगा, दो रिएक्शन के फॉर्म में लिखूंगा। सबसे पहले लिख दो यहाँ पे H3O पॉजिटिव प्लस लिख दो HCO3 नेगेटिव। अब क्या करूंगा मैं HCO3 को, अभी आपको बता रहा हूँ मैं आखिर यहाँ पे करके आ रहा हूँ, पहले रिएक्शन लिख लो आपके लिए, H3O पॉजिटिव प्लस क्या बचेगा यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव, ये अपना एक हमने लिया H2CO3। मेनली यहाँ पे हमने किया क्या है, H2CO3 एक हमने एसिड लिया है, इसको हमने वाटर में डाल दिया, किसमें डाल दिया, वाटर में डाल दिया, और यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा H2CO3 में इधर देखिए, यहाँ पे देखिए पहले H2CO3 अपने को हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, इसके मतलब सिंपली पानी में डालने पे क्या हो जाएंगे, दो हाइड्रोनियम आयन देंगे। अब हमें रिएक्शन कैसे, ये तो अपने को पता चल गया, दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, दो हाइड्रोजन आयन ये देंगे पानी में। अब रिएक्शन कैसे लिखते हैं, दो स्टेप में रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, H2CO3 लिया हमने पानी में डाला, सबसे पहले एक जैसे यहाँ पे निकला था ना, पहले एक हाइड्रोजन निकल गया, पहले एक हाइड्रोजन निकल गया, H3O पॉजिटिव पहले निकल गया, बचा क्या भाई, एक ये निकल गया H3O पॉजिटिव निकल गया, एक पॉजिटिव निकल गया तो उस पर एक साइन आ जाएगा निगेटिव का, एक पॉजिटिव, ये टोटल क्या था अपना, ये टोटल अपना न्यूट्रल था, ये टोटल अपना क्या था, न्यूट्रल था, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, अपना ये अपना सॉरी मतलब ये एसिडिक है ना ही पॉजिटिव ना निगेटिव है, ये अपना क्या न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव ना निगेटिव। अब इसमें से एच पॉजिटिव निकल गया, एक एच पॉजिटिव निकल गया तो एक निगेटिव साइन इस पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एच टू था, एक पॉजिटिव निकल गया, एक पॉजिटिव एच पॉजिटिव निकल गया, बच गया एक हाइड्रोजन, इस पे क्या आ जाएगा, एक निगेटिव साइन आ जाएगा। अब इसको अब ये पानी में जाएगा एस सी ओ थ्री, तब क्या हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, दो चार्ज हो जाएगा, क्यों, दो पॉजिटिव निकल गया, दो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, सिंपल सिंपल है ना, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा कि कैसे लिखते हैं रिएक्शन, ये एडिशनल नॉलेज है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, एडिशनल नॉलेज आपके लिए, जितना आप नॉलेज गेन कर पाए उतना अच्छा है, क्यों, ये आपको पता चल गया डायबेसिक में दो हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। अब हम ले लेते हैं केस किसका, ट्राइबेसिक का H3PO4, इसमें आपको देखो H3PO4 इधर लिख के दिखा रहा हूं आपको H3PO4, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं एच के भाई तीन वो है, एच के इसमें तीन दिख रहे हैं, एस तीन है, तो सिंपल सी बात इसमें क्या आएंगे, तीन हाइड्रोजन आने देगा, बट इसे लिखते इस फॉर्म में लिखो, इसे ऐसे लिखो, इसे मैं कह रहा हूं पहले इसे ऐसे लिखो, तो कैसे लिखोगे, पहले H3O पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव, इसमें तीन रिएक्शन बन जाएंगे, अब देखिएगा सब H2 के साथ है, ये भी H2 के H2 में है, H3O पॉजिटिव प्लस HPO4 2 नेगेटिव। अब ये देखिए HPO4 2 नेगेटिव H2 में है, ये H3O पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, ये आपको पता था भाई, कंपाउंड देख के तीन निकल रहा है, लिखेंगे कैसे इसे, पहले एक अपना रिएक्शन था H3PO4 वाटर में मिलाया, एक इसमें से H पॉजिटिव निकल गया, एच पॉजिटिव निकल गया तो यहाँ पे एस टू बचा, यहाँ पे थ्री था, यहाँ पे टू बचा और एक निगेटिव साइन लग जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला निकल गया तो वहाँ पे एक निगेटिव साइन आ जाएगा अपने आप, ओके। फिर इसमें एस टू पीओ फोर को हमने पानी में डाला, एक और अपना एच निकल गया तो एक और निगेटिव साइन आ जाएगा, एक और यहाँ पे एच कम हो जाएगा, फिर इसको हमने पानी में डाला, अब एक और अपना एच पॉजिटिव निकल गया तो एक और अपना एच पॉजिटिव निकल गया तो अपने पास हाइड्रोजन यहाँ पे एक था, अब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, केवल पीओ फोर है, अब एक और निगेटिव साइन आने के तीन निगेटिव साइन आ गए, ओके। आई थिंक आपको बेसिसिटी के इस पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको हम वो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसमें एक और चीज हम बता सकते हैं एडिशनल, की डाई बेसिक जो होते हैं वो दो तरह के सॉल्ट बनाते हैं, एक अपना एसिडिक एक नॉर्मल सॉल्ट, यहाँ पे एडिशनल नॉलेज आपको और दे दे रहा हूँ, एक एसिडिक सॉल्ट एंड एक नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं। अपने जो डाई बेसिक कंपाउंड है ना, ये इसी में बता देते हैं, आपको बता देते हैं, अपने जो डाई बेसिक कंपाउंड होते हैं, डाई बेसिक एसिड होते हैं, ये अपने जो डाई बेसिक एसिड होते हैं ये दो तरह के सॉल्ट बनाते हैं। अच्छा सॉल्ट कब बनाएंगे, जब भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना सॉल्ट बनाएगा, सिंपल, एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सिंपल क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा।
और उसमें होगा क्या कि डाई बेसिक अपने दो तरह के सॉल्ट बनाते हैं, डाई बेसिक अपने दो तरह के सॉल्ट बनाते हैं। पहला क्या, पहला ये अपना एक एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, कैसा सॉल्ट बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट, एंड दूसरा ये कैसा बनाएगा, नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। अपने को पता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। एसिड बेस साथ रिएक्ट को क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। भाई सबको पता है, किसको नहीं पता, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। अगर जो आपने नहीं देखा पिछला लेक्चर तो जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही मजा आया था पिछले लेक्चर में, तो बहुत ही मजा आया था। देखो डाई बेसिक में, डाई बेसिक एसिड्स में ऐसा होता है कि ये दो तरह के सॉल्ट बनाते हैं, एक एसिडिक सॉल्ट एक नॉर्मल सॉल्ट। मतलब सॉल्ट तो बन जाते हैं, सॉल्ट सॉल्ट का नाम लेते हैं बच्चों को अक्सर लगता है न्यूट्रल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सॉल्ट का नाम लेके लेते ही बच्चों को लगता है कि न्यूट्रल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्ट भी एसिडिक या फिर बेसिक होते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा, अपना एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। एसिडिक सॉल्ट किस केस में बनेगा, एसिडिक सॉल्ट किस केस में बनेगा, जब अपने पास क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। एसिड प्लस बेस मिलकर बनाते हैं हमने सॉल्ट, एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो अपना अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए, क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो उस केस में क्या हो जाता है, अपना एसिडिक सॉल्ट बनता है। डाई बेसिक दो तरह के सॉल्ट बनाते हैं, एसिडिक और नॉर्मल, नॉर्मल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रिएक्ट कर जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक वीक बेस रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अब नॉर्मल सॉल्ट कब बनेगा, नॉर्मल सॉल्ट तब बनेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो नॉर्मल बन जाएगा। या फिर एक और केस में बन जाएगा, जब अपना वीक एसिड होगा, क्या होगा, वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, सिंपल सी बात है, वीक एसिड प्लस वीक बेस। दो तरह के सॉल्ट बनेंगे, एसिडिक सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट। एसिडिक कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। नॉर्मल सॉल्ट कब बनेगा, जब दोनों ही एसिड बेस स्ट्रॉन्ग हो या फिर दोनों ही क्या हो, वीक हो। अच्छा इसी में मैं कह दूं बेसिक, अब बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है, बेसिक कैसे बनेगा सॉल्ट, इसी में आपको ये क्लियर कर देता हूं बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, बेसिक सॉल्ट कब बनेगा। तो आई थिंक ये बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा, बहुत बच्चे बता देंगे। अच्छा इसमें क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो प्लस वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो प्लस क्या हो, वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो प्लस वीक एसिड हो। एसिडिक में क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक बेस था। अच्छा देखिए जो सॉल्ट बन रहा है, एसिडिक सॉल्ट बन रहा है, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, वीक बेस आ रहा है। और बेसिक सॉल्ट में क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है एंड वीक एसिड आ रहा है। मतलब कि जिस तरह का सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेसिक सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गई चीज। अब एक लास्ट चीज, आज की लास्ट चीज बताने जा रहा हूं आपको मैं। डाई बेसिक में दो तरह के सॉल्ट बनते थे, एक एसिडिक सॉल्ट बनता था, एक नॉर्मल सॉल्ट बनता था। एंड ट्राई बेसिक में, अब ट्राई बेसिक में क्या होगा, ट्राई बेसिक में क्या होगा कि दो एसिडिक सॉल्ट बनेंगे, क्या होगा ट्राई बेसिक में कि टू एसिडिक सॉल्ट बनेंगे, टू एसिडिक सॉल्ट एंड वन नॉर्मल सॉल्ट, टू एसिडिक सॉल्ट एंड वन नॉर्मल सॉल्ट, टू एसिडिक सॉल्ट एंड वन नॉर्मल सॉल्ट। सिंपल बात है, डाई बेसिक में क्या होता था, इसके हाइड्रोजन दो है तो इसके भाई दो तरह के वो बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, एक एसिडिक बनाएगा और एक नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। ट्राई बेसिक में तीन तरह के सॉल्ट बनेंगे, दो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा एंड एक नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। अब आई थिंक यहाँ पे आपको आज बहुत ही सारी चीजें नई जानने को मिली होंगी, मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज दी। हमने टोटल पांच बेसिस पे पढ़े हैं एसिड के क्लासिफिकेशन, और काफी मैंने एडिशनल नॉलेज भी दी जो आपको अभी यूज नहीं था मे बी, लेकिन आपके लिए यूजफुल रहेगी किसी कॉम्पिटिशन के लिए भी, बहुत सारी मैंने आज आपको चीजें बताई। तो इसी उम्मीद के साथ कि वैसे दीपावली है, तो आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, अपना कोरोना में बचाव भी करेंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहेंगे, पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है भाई, लर्निंग कभी भी बंद नहीं हो जाइए। इफ वी स्टॉप लर्निंग देन ह्यूमन बींग्स काउंट इन द कैटेगरी ऑफ द एनिमल्स, मतलब समझ में आया, अगर जो हम सीखना बंद कर दें तो ह्यूमन बींग जो अच्छा खासा इतना अच्छा सा दिखता है वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, एनिमल की कैटेगरी में आ जाएगा भाई। हम भी क्या गाय भैंस की कैटेगरी में आ जाएंगे, हम एनिमल, हम ह्यूमन बींग क्यों है, हम जीनियस है भाई, हमारे पास ब्रेन है, हम ब्रेन को यूज कर सकते हैं, हम लर्न कर रहे हैं चीजें, चीजें सीख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, साइंस को देखो हमने डेवलप किया है, इसलिए हम ह्यूमन बींग है। और एनिमल, एनिमल जैसे पहले थे 100 साल पहले वैसे आज भी है, क्यों, उनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस मोटिवेशन के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन तो भाई टूट जाना चाहिए, आज आज टूट जाना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आज जो हमने पढ़ा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे,
तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।